रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रबंध च फिर आप जी ने दोबारा बड़े प्यार सत्कार अदब के नाल जी आखदा तुहाडा निघा स्वागत करदा। गुरु दे प्यारो हुण भी इस प्रोग्राम दे विच अपने रहबरां दीआं समाज विच अजोके समय दीआं गल्लां बातां ते सतगुरु रविदास महाराज दे गुरपुरब संबंधी जो तैयारियां हो रही ने, जो प्रभात फेरियां चल रही ने, जो गुरु दे प्यारे कल्ले कल्ले टाउन दे कल्ले कल्ले शहर दे विच कल्ले कल्ले गली मोहल्ले दे विच अपने गुरु नूं चेते करन वास्ते इहो जिहा इकट्ठ इकट्ठ नहीं इहनूं संगत कहिंदे ने, गुरु दे इस दरबार नूं दर्शन कर जिथों क्रांतिकारी जगत नूं तारन वास्ते सतगुरु रविदास महाराज जी प्रगट हो के इस पवित्र धरती तों जिथे अज कंछी दा मंदर गुरु दे प्यारे इहदे दर्शन करने वास्ते वडभागी बने आ। मैं इत्थे एक गल करदा जावां, जिहदा सुख है हुण उहदा ही सुख है, जिहदा दुख उहदा ही दुख है। ते दुनिया दे विच मानवता इह कहिंदी है दूसरे दे सुख विच उहदे सुख विच जे आपां जाके हाजिर होईए, उहदियां खुशियां विच हाजिर होईए ते खुशियां उहदियां वधदियां ने। आपां वधाउण दी बजाए असीं कोई ना कोई विच अड़ेका कोई ना कोई निंबू निचोड़न की कोशिश करते हैं। साडे बजुर्गां दे विचार हुंदे सी जे किसी दी दुख दे घड़ी विच खड़े होईए ते दुख उहदा वडाया तो नहीं जा सकता पर उह घटदा सी। हाँ जी, जय गुरुदेव जी पाठिया साहब। सुना ठीक हो जी? हाँ जी, कृपा चढ़दी कला। महाराज थोड़ा प्रोग्राम मेरे साथी ने देखा जी, एक एक जी वो इनी तारीफ थोड़ी की जी, हुण जी पुछो ना जी। जी ये तुहानूं मिलना किसे तुहानूं नहीं जी? जी आनू महाराज इत्थे आउणा मेरे नाल बह जाण, जिथे मैनूं उहनां दे चरण दिखा दे मैं चरणां च आप ही आ जाणा। ओ जी, हुण रिटायर होया जी ओ जी, टीचर ओ जी मतलब गुरु घर दीआं स्टेजां ते जो होना चाहीदा सी जिथे मेरा गुरु अंदर विराजमान है जी, जी जो मेरा गुरु मेनू सिख्या दे रहा स्टेज उते ओ चलनी चाहिदी आ। बस बस फिर स्वर्ग वा दुनिया च, फिर किते झगड़ा नहीं, किते बंब नहीं चलणगे, फिर कोई किसे नूं नीवा नहीं दिखाऊगा। पर अज प्रचार ही इदां दा हो रहा जे समुंदर नूं अग लगी आ ते जिहनूं अग लगी छाल किथे मारूगा? छाल किथे मारूगा? अज जिहड़ा मेरे गुरु दी जिथे मेरा गुरु बैठा पालकी दे विच ओह तां मैनूं उपदेश दे रहा बई आह जिहड़ा अंदर तेरे कबाड़ भरिया आ। बिलकुल बिलकुल जी, बिलकुल बिलकुल। इहनूं साफ कर, जुत्ती दा तूं थल्ले ला आया, गंद नाल लिबड़ी आ, जिहड़ा तूं नाल लै के अंदर आया ओह कदों कढ़णा? आ गया ओह गंद वाला, गंद कढ़ जी ओह कदों कढ़णा? ठीक है ना, असीं उधर नूं तुरदे नहीं, उधर नूं नहीं तुरदे जी जी जी, उधर नूं नहीं तुरदे। ते ताइयों मेरे गुरु कहे बिरले नाही कणे, इधर नूं कोई बिरला ही तुरदा नहीं तां सणे मेरे असीं पखंडी करदे आ। ਹੋਰ ਪਾਟੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ, ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪਾਉਂਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਰਕ ਆ।
जो गुरबाणी कहती है सानू उस आशे दे नाल मेरा गुरु कहना की चाहता, गुरु कहना की चाहता। ठीक है भाई तू अपनियां गल्लां ना मनाई है, अपनियां ना मनाई है, तू जाके गां हिसाब देना। मेरे गुरु ने जिहड़ी गल कही है ना उहनू मन लै, उहनू मन लै। जिद्दन तू उहनू मन लिया, जिद्दन तू उहनू सुन लिया, जिद्दन तू उहनां नाल जुड़ गया। असीं तां संसार नाल जुड़ी बैठे हाँ, असीं तां इस देह नाल जुड़े बैठे हाँ। तो सतगुरु नानक देव जी तां कहिंदे आ भाई तू देह नाल जुड़ेगा बिछड़ जावेगा, बिछड़ जावेगा। मरदाने के अंतम समय से कहा सी ना, वो कहिंदे दस तैनू कित्थे बहाला, तेरी कबर बना दें, तेरी मस्जिद बना दें, तेरा रोजा बना दें, तेरा पक्का लेंटर पा के वधिया जी तेरी मसीत बना दें। उन्हें कहा मैनू इन्हां चो कढ लो, मैनू तुसी इहदे विचो कढ के, इस शरीर चो कढ के मैनू कहिंदे अपने शब्द नाल जोड़। उहदे मरदाने दे सी ते फिर गुरु नानक देव जी ने को गल कही जे शरीर नाल जुड़ोंगे, जे असीं इन्हां फोटुआं नाल जुड़दे रहांगे, आ फोटुआं नूं मत्थे टेक लै। तो मेरा गुरु नानक देव जी कह रहे ने फिर तुसी करतार नाल नहीं जुड़ोगे, अजे तुसी संसार विच तुरे फिरदे आ। जदों शब्द नाल जुड़ोगे, जदों तुसी सच नाल जुड़ोगे, तुसी उस करतार नाल जुड़ोगे, फिर तुहानूं परम गत मिलनी आ। फिर मानस जन्म दुलंभ आ, फिर ये जन्म दुलंभ होना। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर सोच सो चित लाया। इहदी ए शरीर जिदा का मर्जी बना ला, इहनूं लेपा पोची कर ला, तरह तरह के वस्त्रां नाल शिंगार ला, टाइयां ला ला, जो मर्जी ला ला, दस दस लख दे इहनूं कपड़े पा ला, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। कीमत कदों पानी है, ये शरीर परवान होआ जिन सतगुर सो चित लाया। सतगुर नाल चित लाउंदा मतलब है उहदे बचनां नाल, जिन्हें उहनां दे बचनां नूं मन लिया, जिन्हें उहदी रजा च रह लिया, जिन्हें उहदे हुक्म नूं मन लिया। सो गुरु दे प्यारिओ उहदा शरीर परवान आ, नहीं तां जो मर्जी बने जाइए, असीं जिद्दां दे मर्जी बणीए उहनूं कोई परवाह नहीं। असीं तां दुनिया दे विच इस शरीर नूं तरजीह देती है, मैं गुरु दी गल ही नहीं करदा। तो गुरु दे प्यारिओ सानूं जे एडे एडे गुरु घर बनाया, तो सतगुरु नानक सतगुरां दी बाणी तां कहिंदी है गुरद्वारे होए सोझी पाइसी, मैनू कितें इत्थे बहन की अकल आ जाए, चज आ जाए, मैं कितने गुरु तो मंगण वाला हो जावां, मैनू गुरु की बाणी सुन का चज आ जाए, मैनू गुरु नाल जुड़न का चज आ जाए, जो मैनू गुरु कह रहा मेरे कन्ना विच पैण दा कितें मैनू कितने मिल जाए कितने अकल, फिर मैं बड़भागी हो जावां, फिर मैं उहदा सेवक बन जावां, फिर मैं गुरसिख बनूंगा। नहीं तो कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, असीं अपने आप ही बनी फिरदे सब कुछ। पंज प्यारे उन्हां नूं किसे तैयार नहीं कीता, वो पहले ही तैयार सी। असी तैयार हो, बोलो असी तैयार हो, नहीं तैयार। जिद्दन तैयार होए सही आ, फिर गुरु तुहानूं हर वेले अंग संग होकर दर्शन देवेगा। जिद्दन उहदी मत दे मुताबक, गुरु की मत दे मुताबक, गुरमत दे मुताबक, जे तुसी अपनी मत दे मन मत दे मुताबक आ, फिर तां गुरमत दे तुसी बिल्कुल एंटी आ, फिर तुसी गुरु नूं मनण वाले नहीं, बिचे मैं भी हाँ। सो गुरु के प्यारे आओ, जे मैं इत्थे कोई गल करना, मैं ये किसी का दिल दिखाने वास्ते नहीं, मैं जिहड़े अज दुनिया दे विच वापर रहा, जो अज बितकरा हो रहा, जो मानवता का घाण हो रहा, रोज़ लड़ाइया झगड़े, एक दूए ते इल्जाम, एक दूए नूं नीवा दिखाने लई, अपने आप नूं उच्चा दिखाने दे लई, एक दूए दे चिक्कड़ सुट्टण लई, आ कीता नव नवीं स्कीमां फेक आइडिया बना बना के, तरह तरह दीआं शाशियां रल रल के, अपने आप नूं तुसीं साफ सुथरे कह के दूसरे नूं बदनाम करने लई, जदों के रब देखदा है। तो सतगुरु नानक देव जी ने फैसला करता, बंदे नूं की हक दिता बे तुसीं बह के चुगलियां करो। सतगुरु नानक देव जी जदों जपजी साहब का भोग लगे ना पाउण, चंगियाईआं बुराईआं बाचे धर्म हदूर तूं बचनीआं, कहिंदे उह दरगाह विच बाचियां जाणियां, करमी आपो आपणी, जे तूं चंगे कीते होंगे के नेड़े फिर गुरु दे लागे होके बैठेगा, जे तू पाप ही पाप किते आ के दूर चल परे हट तेरी लोड़ नहीं। मैं बड़ी सिंपली गल कह रहा, तो फिर तेनू बंदे नू की हक आ, तू बंदे नू माड़ा कही जाना। बाणी तो कहती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मैं रोज़ नवी नवी तुक बोलदा बाणी दे विचों जो सानू दसदी है।
सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान साहब अत वडियाईयां जिस भावे सिद्धे। जे बंदे दे पास होवे गुरु दे प्यारियो बंदे दे तां जे किसे ने गुआंढी ने कार नवीं लै आंदी आ दूए दिन झिड़ीटा मार दिंदे आ। जे किसे नूं कोई माण सत्कार मिलदा है दूए दिन ही उत्ते चिक्कड़ सुणना शुरू कर दिंदे आ। जे किसे दा माड़ा जिहा मोटा सेवा दे विच नाम बणदा है दूए दिन उत्ते चिक्कड़ सुणना शुरू कर दिंदे आ। लेकिन इहदा लेखा देना पएगा। आ बाबा प्रेमदास जी जिन्हां दे कोल हिंदू मत दे विच एक संत जिहड़े कि पीले जे कपड़े पा के देखदे आ बहुत सारे यूट्यूब दे उत्ते आ। साडे निहंग साहब जी भी जांदे ने उत्ते बहुत जांदे ने उहनां नूं मिलण वास्ते। उही कहिंदे ने एक जने एक ने सवाल कीता कहिंदे जी कहिंदे आ जिहड़े चंगे काम करन वाला उहनूं तकलीफां आउंदियां जिहड़े मंदे काम करदे उह लोकां 'च आनंद लैंदे ने। ते उहदे जवाब आ कहिंदा जिन्ना चिर उहने आनंद लैणा उहने छेती कोटा खत्म कर लैणा उह पिछले कर्मां दा उहनूं आनंद मिल रिहा। उन्हें जो कोटा खत्म कर रहा उन्हें फिर बाद जल्दी पुठा टंग देना जिहड़ियां बुराइयां कर रहा लोगों दियाँ। सो गुरु के प्यार हो आओ जे आप जे सानू कितने सुरत मिली है फिर जो बंदा चली जाता फिर मूह जहा लमका के घर चल जाने बहुत चंगा ही होंदा सी। फिर भाई तू कल ही जाना जा तू लायक ही नहीं करता किसी नूं फिर तू मूँह चोपड़ कल ही जाना ठीक है जिते हैगा फिर तू उन्हूं खड़ा कर जाना जींदे तो तू जाने के बुराई कर देने जो किसी बंदे ने चल जाना बाद च जा के पंजा सत्ता बंदियां नाल जा के फिर मोमो ठगड़ियां विच जा के मूँह लमका के बह जाना। इन्ना बैठन भी घर बैठा रहा पहले तो तू निंदिया करता रहा अज दुनिया का रिवाज है। इत्थे बह के मैं दुनिया की गल कर रहा जिहड़ा अज दा समाज चल रहा अज जो मैं इत्थे बैठा ना मेरे मुँह तो मेरी बुढ़ियाई करी जानी आ बड़ा विद्वान फलाना ढेंकड़ा मैं मुँह इन मर जा घमाया ठीक है। मगर उन्होंने मेरे ख्याल मुँह के उत्ते इन्ने जिदा साडा पुराना कोठा लिपड़िया हुंदा सी ना पुराना मिट्टी वाला घर इन्नियां तेड़ां उत्ते नहीं जिन्नियां उहदे मुँह ते तेड़ां पईआं हुंदियां जदों मैं पिट करदा अज दा इह हाल है। सो गुरु दे प्यारे मैं सतगुरु रविदास मां जी कहा छोट बड़े सब सम वसे रविदास रहि प्रसाद। आप भाईचारा पैदा करिए गुरद्वारे भी इत्थे रह जाने मंदिर भी मसीतां भी इक्को ही घर वा डड्डा डेरा ए नहीं जय डेरा तां जान ओ डेरे जाना पैना आ डेरे नहीं जिते असी लोगों ने नफरतां पैदा कर करके एक दूजे धर्मां दे नां ते पाली जांदे आ धर्मां दे नां ते पाली जांदे आ वोटां लै के मिनिस्ट्रियां लैण वास्ते तरह तरह के षडयंत्र रची जाने और रब के वास्ते तुसी राजनीति तो है चोरां दी है आदि बिहार के जो पता लगता ना भी हुण मेरा इधर हारन वाला उन्हें मिनट नहीं लगना पार्टी मार के दूए पासे वांगू डड्डू की पछेरी वांगू। वो अज तक 25 साल होए आ जिहदा भी राज आउंदा पाछू दूए उहदे च जा वड़दा ते जिहड़े उहनूं लिजाण वाले उहनां नूं भी नहीं पता लगता भी भाई इहते भरोसा कदों करोंगे कल तां तुहानूं छड्ड के गया अज फिर आ रलिया तुहाडे नाल असीं भी उदां दे ही आं क्योंकि पोलिटिक्स है ही इदां दी आ। इतवार ही नहीं वी रात नूं पता नहीं तुहाडे घरों हलवा खा के गया ते नाल गुआंढियां दे जांदियां नूं वधिया जिहा गजरेला मिल गया ते गजरेले वाले दा हो जाणा पोलिटिक्स तां इह कहिंदी आ पर धर्म नहीं इह चीज़ कहिंदा धर्म नहीं कहिंदा। धर्म कहिंदा किसे दे पर उपकार नूं तुसीं भुल जाइए तुसीं अकिरत करना अकिरत करना दुनिया भी भार नहीं चकदी नहीं चकदी दुनिया धरती भी भार नहीं चकदी मैं नहीं कह रहा बाणी कहिंदी है। सो गुरु दे प्यारियो आओ जे सानू आ चार सुआस मिले आ जे मैनू इत्थे बोलन दा मौका मिलिया मैं इत्थे फुट पाउण नहीं बैठा मैं ये गल चेते करवाउणा आओ गुरुआं ने जो सानू उपदेश दित्ता है असीं उहनां नूं मन लईए भाईचारा कर लईए सदा नहीं बैठे रहना पता नहीं जे हा चिरी लिखिया पता नहीं कदों चिट्ठी आ जाणी चिरी कहिंदे ने चिट्ठी नूं पर चिट्ठी तां साडे आले दुआले ही है घुम्मदी है पता नहीं कदों डिग पैणी आ शूटिंग ऑफिस के पही है पता नहीं दाखिए कदों उन्हें दे के भेज देनी जा भी इस एड्रैस सुटिया तो फिर की नाल लैके जावेगा की जिहड़ा तेरी धौन च कीला अड़िया आ जदों अस चुके जाते कीला नहीं लभदा फिर कितने भी कितने नहीं कीला लभदा जिहड़ा मेरी धौन च कीला हंकार दा अड़िया ना मैं आया जदों अस चुके जाते इन्नी क सुआह निकलती है वह कीला नहीं कितने निकलता जिहड़ा धौन चढ़िया हुंदा हंकार वाला।
वह नहीं निकलता कित भी। सो गुरु प्यारो माफ करना माफ करना, बस यही है। कांछी टीवी पर जो मैं बह के गल करदा आ जो बेतकरे हो रहे ने, जो साढ़े एक दो लांछन ला जा रहे, किसी को माड़ा कहा जाता, किसी दी धीआं नू किसी दी भैणां नू फेक आइडिया बना बना के धीआं भैणां धीआं भैणां। मैं ही दसदा मेरे माता जी पूरे होए, मैनू फेक आईडी पा के मेरी माँ नू गालां कढ़ियां गईआं। तुसीं दसो जिस माँ ने मैनू जन्म दिता, मैं फिर रब ते छड़ दित्ती, रब ते छड़ दित्ती। मेरे कोल अजे भी वो वीडियो हैगी है। तुसीं दसो गुरु दे प्यार तुसीं किहनू बख्शदे आ, किहनू बख्शदे आ? तो जिहड़ा फेक आई डी पाउण वाला, तो मेरे वास्ते तो माँ जिहड़ी मेरे वास्ते सब कुछ मेरे लिए रब सी, जिहने मैनू जन्मा दुनिया दिखाई है, ठीक है। तो तुहाडे वर्गे दलिद्रां नू माँ ने जम के भी पता नहीं उड़ामा लाया होना, जिहड़े इदां दीआं फेक आई डियां पाउंदे ने। सो गुरु दे प्यारिओ आओ, असीं मंदा किसी दा कटक बचन ना बोली है, जे बाणी नू मानदे ना गुरु रविदास माई जी, जी नवी बाणी आज फिलोसफर ने कढ़ के लैंदी है, जिन्हें पी एच डी पंजाब यूनिवर्सिटी रही हैं, गुरु रविदास चेयर के उतों आ बाणी आई 230 श्लोक। कटक बचन ना बोलीए सब कट हर को बास, यह ज्ञान को द्वार है। जे भाई तू ज्ञानी विद्वान आ, अपने आप सूझबान बनना चाहना, कह रविदास विचार विचार कर ये बारे कि बारे, कटक बचन ना बोलीए किसी माड़ा ना बोली, फिर तू विद्वान आ, फिर तू समझदार आ, फिर तू अकल वाला, फिर तेरे बाल चिट्टे हो काले हो, छोटा हो जा बड़ा हो, तेनू जे विद्या तेरे को, जे तेनू गल कर अकल आ, फिर तेरी विद्या आ, नहीं तो कुछ भी नहीं। विद्या का ना आ अकल ज्ञान। सो गुरु के प्यारो बस यही सतगुरु रविदास माई की जिंदगी चो आई कुछ मैं मिलया, यही कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी सानू आ कुछ समझाया, भाई पैरों पर खड़े होने वास्ते सतगुरु रविदास माई ने क्या करे आन की आस, कहते आसा रखूँगा, कहते आसा रखूँगा, किस रखने की लोड़ नहीं। आ मेरे सामने ज्या भगत तो गुरु की गल चली सी ना, आ मेरे सामने भरिया पिया, मैं राती बह के खरिया किनिया तुका कट के लिखिया। गुरु के प्यारो सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की कल किसी ने गल की सी, वीर सुन लो, सतगुरु नानक देव जी महाराज दी तीन मिलनिया हुई गुरु रविदास माई के नाल, गुरु रविदास माई के नाल तीन मिलनिया हुई, चूड़खाने के महाराज की मिलनी हुई है, संत घाट जिहड़ा के कपूरथले तो सुल्तानपुर की रोड के उत्ते 3.5 किलोमीटर के दूर है, जिते संत घाट गुरद्वारा बनया, ये मैं प्रोग्राम किसी दे लाउणा, उत्थे जिहड़ी तख्ती लिख के बड़ा सारा बोर्ड लिख के लाया वो भी मैं दर्शन कराऊंगा, उत्थे भी इन्हां दी मिलनी हुई है पंजाब विच आयां दी। ते लक्षा बाग जिहनूं गुरु का बाग अज कहिंदे, जिथे गुरु घर का बाग बनया आ, उत्थे भी तख्ती लगी है बहुत वड्डी सारी, दास किसे दिन मैं अपनी फोटो लाऊंगा, उस गुरु घर दे विच दास बोल के आया, उत्थों दी संस्था ने मैनूं बुलाया सी जदों असीं जहाज लैके गए सी पहली बारी, दास उत्थे बोल के आया, उन्हां दा धन्नवाद करके आया सी। सो गुरु के प्यारे जिहड़ियां अखियां ने देखियां उन्हें सच्चाई हुंदी है। आओ जिन्हां ने इतिहास नहीं पढ़िया जां जिन्हां नूं अजे बाणी दी समझ नहीं लगी, तो आले दुआले की आप गल्लां ना करिया करिए, कट्टड़वार तुहानूं छड़ दईए, बाणी सारी कट्टड़वार तुहानूं परे करदी है, बाणी साडे अंदरों प्यार पैदा करदी है, नाले बाणी है ही रूह की खुराक है, साडे मन की मैल धोण वाली है, साडी आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़दी है, दुनिया नाल ते इहदा मतलब ही कोई नहीं। हाँ दुनिया च रहण वास्ते सानूं मर्यादा दसदी, नैविगेशन वांगू, नैविगेशन कहिंदा सो गुरु दे प्यारो नैविगेशन जिद्दां सानूं कार च बह के दसदा तू मंजिल ते तां पहुंचना, मैनूं फॉलो करी जा, जे तू अपनी मर्जी कीती तू मंजिल ते नहीं पहुंचेगा, भटकदा फिरेगा। बाणी भी सानूं ये कहिंदी है, जे बाणी दे मुताबिक चलेगा बेगमपुरे पहुंच जाएगा, सचखंड च पहुंच गया, परम पद भी प्राप्त कर लेंगा, परम गत पा लेंगा,
फिर तू गुरमुख बन जाएगा, फिर प्यारा बन जाएगा, फिर तू गुरसिख बन जाएगा, फिर श्रद्धालु बन जाएगा, संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, सतपुरश बन जाएगा। ये सारिया डिग्रियां जिन्हें एको ही पद का ना आ बाणी में आतुका हूँ बोल के गया सी ना, एको तुक का नाम वीर बलविंदर ने बोलिया, मेरे को भी लिखिया पियों सारिया तुक। सो गुरु के प्यारो मेरी बेनती है बस यही है, जे सानू इत्थे असी जे बाणी पढ़ी है, बाणी अस पढ़ने बाण का हक भी है, सानू हक हक सानू बाणी पढ़ तो कोई रोक तो नहीं सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। गुरु के प्यार जे अज असी कहने ना भी फलाना आ चेंज हो गया, धर्म चेंज कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, करो प्रेम सारे ना करो प्रेम, जो बाणी कहती मुताबिक करो, कोई भी नहीं धर्म बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा, तो बाणी छड़ के कोई नहीं जाएगा, बाणी छड़ के नहीं जाता, गुरु में छड़ के कोई नहीं जाता। मैं एक गरंटी देना तुहानू, मैं बड़ी गरंटी ना गल कह रहा इत्थे, मैं कंच टीवी ते बह के बड़े सच्चे दिल ना, बाणी तो कोई दूर नहीं जा रहा, बाणी नू सारे मानते ने, जेडे बाणी दे अगे बेतकरे कन वाले कड़म चौधरी है उन्हां तो दुखी हो के, जिवें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी गए सी, वह भी 6 करोड़ लोगों नू लै के श्री हरिमंदर साहब च गए सी, भी आओ मैं भी बाणी पढ़ी है, मैं भी रड़ना चाहना। कड़म चौधरी ने 6 करोड़ लोगों को जात के हंकार में ही मोड़ दिता है। गुरु ग्रंथ साहब ने तो पढ़िया सी गुरु ने, बाबा साहब जी ने पढ़ के ताइयों उन्होंने अंदर विश पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई कि मैं आ चीज़ बनना चाहना, तो किने मोड़िया, गुरु ने नहीं मोड़िया, कड़म चौधरी ने मोड़िया। तो अज गुरुद्वारे च मेरा गुरु नहीं मोड़ता है, गुरु तो कहता आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, वो तो हाका मारना आवो, तुसी मोहरे खड़े हाँ गुरु नाल भी बड़े बन के। मैं सारे नहीं कह रहा, सारे नहीं कह रहा, जदों कि असी क्लिप देखी दे है, मैं उन्होंने लोगों को कह रहा, तो सानू सारे समझ लेना चाहिए, हाँ होका ही सानू ये देना चाहिए, अज गुरु घर स्टेजा से होका ही ये देना चाहिए, जेडे स्टेज सैकटरी है उन बाणी दे नाल बार रखना चाहिए, बाणी दे नाल संबंध रखना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा प्रकाश कीता है उहदे बारे तेनू भूमिका नहीं पता है, उहदे बारे ज्ञान नहीं, फिर तू कहदा स्टेज सैकटरी है, तू प्रधान कहदा है, तू सैकटरी कहदा है, जिहनू प्रकाश कीता है, जिहदे नाल तू लंबड़दारी कर रहा, जिहदे नाल तू फीती लवाई है कि मैं मुख सेवादार हाँ, उहदे बारे तेनू कोई ज्ञान नहीं। सो गुरु दे प्यारिओ बस इत कमी है, इतने कमी है, लै रोज झगड़े होंगे ना गुरु घर, मैं गल कहना एक बार अनाउंस कर दो गुरु घर, जिनू बाणी आँदी है, जिनू बाणी आँदी है वो ही सेवादार बन सकता, कितने भी नहीं झगड़ा होगा, कोई भी नहीं मोहरे आऊगा, कोई नहीं आऊगा, पहले असी बना लेंगे कट्ठे होके, दूए दिन लाने तुर पेंदे आ, कारण की है, पब्बा क्लबा च बैठ के असी पहले चुन लेंगे, दूए दिन लाने तुर पेंदे आ, छाती ये रख दो भाई वे बाणी के मुताबिक, जिहड़ा जिहनू मर्यादा का पता है, जिहनू बाणी आउंदी है, जिहनू प्रकाश कीता है, इहदा ज्ञान है, ये की कहना चाहुंदा है, लावां कित्थे है, सद कित्थे है, अलाणियां कित्थे है, ब्याह होया मेरा बावला कित्थे है, पल्ले दा शब्द कित्थे है, बारह माह कित्थे है, तिथियां कित्थे है, श्लोक कित्थे है, मुदावनी कित्थे आउंदी है, ते जे तुहानू पता ही नहीं ते गुरु दे प्यारे हो फिर कादे सेवादारां सी, कादे आ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जिदन असी इधर तुर पाए बड़ी शांति होएगी, आ साढ़े ना हो रहा, मैं तां गल्लां कर रहा, मैं एडा वड्डा विद्वान नहीं, मैं अजोके समय की जिहड़ी झाकी है उहनूं दस रहा। गुरु दे प्यार दुखी हुंदा मन, बाणी नूं कोई सुनना नहीं चाहुंदा, बाणी नूं कोई सुनना नहीं चाहुंदा, बाणी दे पाठ चले हुंदे असी रौला पा पा के इधर उधर, हाँ ठीक है असी अमृतवाणी सेंटर 'च एक मर्यादा बनाई है, एक जना बैठा, 10 जने बैठे, 1000 बैठा, 500 बैठा, जिन्ना चिर गुरु की गल होनी है, गुरु की गल होनी है, तुहाड़ियां गल्लां बंद है, जे तुसी गल्लां करनियां थल्ले भी लंगर हाल विच भी नहीं, फिर घरों ना आया करो जिन्हें अपनियां गल्लां करनियां, उत्थे दी मर्यादा 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 5, 7, 8, 900, 1000 तक बंदा आना शुरू हो गया।
गुरु के प्यारे जिन्होंने बाणी नाल प्यार है उन्होंने बाणी ना करने उन्होंने सुननी भी है सुननी भी है तो असी होका ही बाणी का दिने अभी पॉलिटिक्स चलाते ही नहीं सो गुरु के प्यारे आओ जेकर असी इतने एक उपदेश उपदेश नहीं एक की गल करते हैं मैं सारे महापुरशों का गुरबाणी रचन वाले का जिन्हों बाणी उतों अकाल पुरख की बाणी तुरकी बाणी जिन्हों गुलाम हुई है आकाशवाणी हुई है असी उन्होंने सत्कार करते हैं उन्होंने पुरब भी मनाते हैं उन्होंने बधाई भी देते हैं शहीदी पुर के उत्ते शरदा के पुल भी भेंट करते हैं तो जे असी एक इतने सारे बैठे हाँ असी गुरुआं नाल लैके बैठे हाँ तो आप सारे क्यों नहीं एक दूसरे प्यार करते क्यों नहीं करते एक कंछी टीवी है इतने होका दे रहा जरा झाती मार के देख लो इंग्लैंड बाकी चैनलों के उत्ते भी झाती मार के की बोलिया जाता की बोलिया जाता रोटी खाते होंगे उत्थे तो गुलासा चुकने जी करता होंगे कई बार तुम कई विचार सुनते होंगे टेलीविजन के उत्ते पर जे इतने तुम बैठे हाँ कम से कम सू पता लगेगा भी भाई मेरी जिंदगी का मकसद की है मैं बाणी कहनी की चाहती है मैं कल ही इस दुनिया च आया मैं झगड़े सिर लोगों के सिर पाल के जेल कट्ट ही आया नाले कहते मानस जन्म दुलंब है फिर इस जन्म में तू लोगों की पुठ में आ के लोगों के हम लोग तो मोढ़े तो रख के चलाते हैं तुहानू रात को कहना वाह जी वाह काम अपना सूत कर लेना गाला तुहाडे तो कढ़ा देनिया इदा ही साडे हुंदे आ संस्थावां विच इदा ही हुंदे आ चार पाँच बंदे रखे हुंदे इहनू गाला कढ़ दे इहनू आह कुछ कर दे इहनू दबका मार दे इहदे नां ते आह चीज़ां कर दे आप पिछे रहिंदे आ तो सानू जिहड़े दूसरे के मोढ़े ते रख के जिन्हां दे चलाउंदे आ उन्हां नू भी समझ लैणा चाहीदा तू मैनू काहली वरतदा सुकरात नू किसे पुछिया मैं तुहाडे नाल जी गल करन आया तां अगे सुकरात ने कहा तेरे भले की आ जां मेरे भले की आ कहिंदा ना तेरे भले की ना मेरे भले की आ उहने फिर सुकरात ने कहा वह चंगी आ जां माड़ी है वह क्यों कहिंदा ना चंगी आ ना माड़ी है फिर उहने कहा जिहड़ी गल तू मैनू दसेंगा उहदे नाल मैनू कोई भला होएगा तेरा भला कहना तेरा तो सुकरात ने कहा ना मेरा भला होना ना तेरा भला होना चंगी है ना माड़ी है ना तेनू चंगी लगती ना मैनू तो मैं फालतू गल्लां सुन का मतलब नहीं तू जा इतों मेरे को टाइम ही है नहीं लेकिन असी तो कम ला ला के सुनते हैं पर बाणी सानू ठोकती है जदों असी दूसरे दी गल्लां सुन के उन्हां ते असर करांगे उत्थे फुट्टां पैणगियां उत्थे चलदे कम झड़के पैणगे वो तुहाडे घर होवे कोई संस्था होवे कोई दूसरे हुण पार्टियां हुण राज होवे जिथे असी दूसरे की उंगल दे मगर लगांगे फिर नहीं असी चलांगे नहीं चल सकते अज उंगल लाउण वाले बहुत है पर बाणी ये चीज़ां ठाउंदी है जिथे गुरु घर है उत्थे चीज़ां ठाउंदी है झगड़े मुक जाणगे उंगल लाउण वाले नूं परे कर दिओ चुगलियां करन वाले कहे साडे कोल टाइम ही है नहीं टाइम ही हम तेरिया फालतू गल सुन मैं तो गुरु की गल सुन आया मैं गुरु नूं मिलन आया झगड़े खत्म हो जाएंगे खत्म कित भी नहीं झगड़ा होएगा तुसी कड़ावे भर भर के एक दूर मिलोंगे जिवें अगे असी घर मिल जाते ना कि दुख सुख के खड़े होते घबराई ना तेरे नाल फिर वह जहाँ समा आ जाएगा उन्होंने लोगों को पछाणीए जेडे प्यार नींबू निचोड़ते हैं सुनाओ जय गुरुदेव जी गुरुदेव जी हाँ जी कौन जी प्रकाश बोलता जी बोलना हंगन तो जी आयन भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा अपना इधर सुनाई दिया करो गल्ला महाराज धन्यवाद जी धन्यवाद भीर राम प्रकाश जी बहुत बहुत मेहरबानी बस थैंक यू बहुत थैंक यू मेरे भीर राम प्रकाश जी ये गल्ला हूँ कई बार ना बाणी वो तो कथा आती है कई भाने स्पीच होंगी है स्पीचा होंगे स्टेजा के उत्ते राजनीतिक जिहड़ी गुरु की बाणी दी गल्लां गुरु दी सिफतां होंदियां वो कथा होंदी जां सत्संग होंदा है तो बाणी कहिंदी है सब ते उत्तम हर की कथा गुरु की गल करिए तो जदों कहिंदे ना मेरे प्रीतम की कोई गल सुनावे तो मैं अपने आप नूं बचा दूंगा मैं उहदे बाणी तां इह कहिंदी है जिहड़ा मैनूं गुरु की कोई गल सुना दे मैं अपना आप ही बेच के उहदे चरणा 'च रख दूंगा आओ गुरु के प्यारे बहुत फर्क है कलयुग का जोर है तो जिते बाणी है कलयुग नहीं आता पर बाणी लड़ ला लीए आओ कुछ क्लिप मैं दिखा जा रहा आओ गुरु के प्यारे दिल्ली के सतगुरु रविदास माज के प्रोग्राम प्रभात फेरिया शुरू हुई ने
मैनू सवेर दी प्रभात फेरी दा इक क्लिप आया सी साढ़े दिल्ली दे विच, आ जिन्ने भी नाल तुरे हुए ने सारे गजट अफीसर है जिन्ने भी है गुरु दे प्यारे, बस इन्हां दे अंदर वो कीला है नहीं कि मैं जी LLB हाँ, मैं MBA हाँ, मैं फलानी हाँ, मैं टैक्स ऑफिसर हाँ, मैं कमिश्नर हाँ, सारे सेवादार है। आप भीर सामने खड़े ना भाटिया जी 101 पाठ इन्हें करके माघ की पुन्या दिन भोग पाना, गजट अफीसर है, लड़के लड़कियां भी गजट अफीसर है, खुद पाठ करते हैं, खुद कीर्तन करते हैं, नाल भीर जसविंदर पाल जी बैठे ने गुरु के प्यारे शिप के गजट अफीसर ने नाल बैठे ने, जेडे तड़के उठ के सारे परिवार को नाल लैके गलियां प्रभात फेरी वेले सारे सेवा करते हैं, झाड़ू फेरते हैं, ये प्यारे है, ये सेवादार है। हाँ जी अगला भीर, सो आ नाम तेरे की जोत लगाई प्यो जारो पवन सगलारे, हर दे निशान गुरु घर ते खड़े है। यदा मतलब एको ही है, सतगुरु ग्रंथ साहब 8344 वारी हर का जिक्र आता है, 1290 पन्नियां दे उत्ते गुरु दे प्यारे हर का जिक्र आता है, 140 पन्नियां ते हर का जिक्र नहीं, 1290 पन्नियां दे उत्ते हर का जिक्र आता है। ये महापुरशा ने हर का निशान दिता है, तो ये एक तुक लिखी होंगी सतगुरु रविदास महाराज जी, नाम तेरे की जोत लगाई प्यो अजियारो पवन सगलारे, आरती दे ए तुका ने उन्हां दे बचन ने, वे भाई इस हर का निशान झुला ना, ये जी तुक लिखी है नाम तेरे की जोत लगाई, अंदर नाम की जोत जगा, वाहेगुरु बोल सतनाम बोल ता कि तेरे अंदरला अनेरा खत्म हो जाए, तेरे अंदर कर्म कांड खत्म हो जाए, वहम भरम खत्म हो जाए। ये सोने का निशान ऐतकी कंछी दे विच सतगुरु रविदास महाराज के गुरपुरब के उत्ते माघ की पुन्या दिन डेरा सचखंड बल्लां वालों, जिथे बाकी दे आ जिहड़े डोम आ वड्डे जिहड़े गुमद ने 30 गुमदियां जिहड़ियां चढ़िया हुई ने, और अंदर जिहड़ी जोत जग रही है सोने की है, जिहड़ा सतगुरां दे उत्ते छतर झलिया वह भी सोने का है, दरवाजे भी सोने के लाग गए ने गुरु के प्यारे, मंदिर के जिहड़े दरवाजे वह भी सोने के लाग गए ने, ऐतकी आ जिहड़ा निशान साहब बनिया सोने का है, ये कंछी दे विच चढ़ाया जाना है। सो आओ गुरु के प्यारो, मेरे को उत्थों दियां होर बहुत कुछ जो मेरे को उत्थे दे जो भी दृश्य होणगे कांछी दे, इस वेले बस वो बेगमपुरा बनिया जी, उत्थे संगतां सेवा कर रही टेंट लग रहे ने, और सब्जियां की आले दुआले ट्रकां दे ट्रक राशन दे आ रहे ने, सब्जियां आ रही, दालां आ रही, चौलां दियां बोरियां की, होर गुरदेव भांडे वगैरह जिन्ने की आ, पानी का इंतजाम, टेंटा का इंतजाम, कल मैं थोड़ा जहा देख रहा, मैं क्लिप दिखा रही, मैं दिखाऊंगा गुरु के प्यारे, घट तो घट भी 3-4 मीलों के टेंट लग चुके हैं, और हर टेंट के अगर लंगर होएगा, अंदर सौन के वास्ते तुहाडे वास्ते बिस्तरे का प्रबंध होएगा, और हर होटल वास्ते बसों का प्रबंध है, सारे होटल बुक हो चुके ने गुरु के प्यारे, जे अज कहे ना भी सानू सीटा मिल जाण, अगे तो कोशिश करांगे भी सीटा वध तो वध मिलन, ते इस वेले लखां दी तादाद संगतां जा रही ने। मालवे विचों मैं कदी सी देखिया जदों 2011 मैं कंछी TV दे वास्ते रिकॉर्ड कर रहा सी, ते बहुत सारे रविदासिया सिख जिहड़े कहिंदे अपने सरूप दे विच, मैं घट तो घट 3-4 मील लंबी लगी सी लाइन, मैं उन्हां दी इंटरव्यू कर रहा सी, ते सारे कह रहे सानूं पता लगा वी साडा बाप इत्थे बैठा है। गुरु के प्यारे अज उत्थे ये ठीक है, ननकाणा साहब नूं जांदे आ सी, साडा वी उत्थे हर चीज़ है, जेकर अज हर महापुरश दा जे सत्कार करिए किसी नूं इतराज़ नहीं होना चाहिए। सतगुरु सैन जी का प्रतापरा नाल ही फलौर के लागे ही है ना, माओ साहब के लागे, उत्थे किड्डा वड्डा दरबार बनया है, तुसीं उन्हां रोक लोगे? कबीर जी दा एड्डा वड्डा दरबार बनया की रोक लोगे? रामानंद जी का एक शब्द है, रामानंद जी जिन्हों गुरु जी कह रहे हैं, रामानंद जी संस्था ने ही उस संप्रदाय ने आज जिहड़ा भगवान राम जी का मंदिर बनया और उन्हों सारा संभाल दिता है, चार जिहड़े उन्होंने आचारीए सी, चार जिहड़े उन्होंने की कहिंदे ने गुरु के प्यारे
और उन्होंने लागे नहीं लगन दिता, लागे नहीं दिता, उत्थे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सो गुरु के प्यारे उन्होंने मंदिर अपना बना लिया। कबीर जी के 46 ग्रंथ उधर अपने 100 दे विच कबीर बीचक का ही सारा प्रचार होंदा उत्थे गुरु ग्रंथ साहब के, हालांकि 243 शब्द है मारी 543 शब्द आते हैं, ठीक है। और उहदे विच तुसीं देख लो बे सतगुरु ग्रंथ साहब का उत्थे कबीर पंथी नहीं मानते, वो सिर्फ अपने कबीर बीचक की गल करते हैं। जयदेव दी बंगाल विच उत्थे अपनी गल करते हैं। पंजाब दे विच जां जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा है ते गुरु दे प्यारे उत्थे उन्हां नूं पता भी गुरु ग्रंथ साहब विच आ बाणी है, नहीं तां बीठल नूं महाराष्ट्र विच नामदेव दे जिहड़े उन्हां दे मन्नण वाले उन्होंने अपने ग्रंथ की उत्थे पूजा कर रहे हैं। आओ गुरु दे प्यारे आपां जिहड़े गुरु साहब ने एक लहर चलाई है भाईचारे की, आपां उन्हां नूं लैके तुरीए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बीबी जी कौन बोल रहे? थैंक यू बीबी जी। की ना की अपना? रामलाल चंदर बिमला चंदर पैसे तो अज भी अमृतवाणी सेंटर बहुत आए थे कंच टीवी वास्ते, मैं लिस्ट नहीं बना सकिया, मेरे को टाइम ही इन्ना सी। एक उत्थे गीत शूट हो रहा सीगा, अज ओह वीडियो बन रही सीगी, फिर प्रोग्राम इन्ना सोहना सी, संत रामन का गुरपुरब सीगा अज, सॉरी जन्म दिहाड़ा मनाया गया, संगत इन्नी सी जिस करके मैं दौड़ा भजा इधर दौड़ा। तो फिर मैं वो जिहड़े नाम अज उत्थे पैसे संगत ने कंछ टीवी वास्ते दित्ते ने उन्हां सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो दिन विच मैं होर प्रोग्राम करने, मैं सारे उधर नाम बोलांगा, उधर ही कंछ टीवी ते चाड़ देवांगा। अगले हफ्ते ऐतवार नूं संत हरिदास जी बल्लां वालियां दा ज्योति जोत समाए पुरब, गुरु दे प्यारिओ 11 तरीक नूं अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर विखे मनाया जाना। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आपां इन्हां महापुरशां नूं जिन्होंने सानूं कांछी वल नूं तोरिया उन्हां नूं भी चेते करिए, और उस तों बाद गांह भी अगला अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। सो गुरु दे प्यारिओ अगले मैं क्लिप दिखाउण जा रहा, जरा ध्यान दिओ। ਬੋਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟ ਵੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੀ ਚਿੰਨ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਉਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਟੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ।
आगमन धरती के दर्शन करने और उत्थे दीआं रौनकां उत्थों के दर्शन करन दा सारे नूं मौका मिले। सो गुरु दे पैरो मेरे सत्कार रामला चंदन बीबी बिमला जी वह भी 101 पौंड दे रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके आओ मैं कुछ होर दिखा रहा क्लिप। ये अमृतवाणी सेंटर दे विच मेरे सत्कार जो बिकरदास चौहान जी बीबी गीता जी इन्हां दे पोते का बर्थडे 15वां जन्म दिहाड़ा दिनेश सुपुत्र जगदेव बीबी बीना ते मेरे सत्कारयोग भैन बीबी रतनी जी का दोता, सत्कारयोग स्वर्गवासी देवी चंद जी उन्हों का दोता, लक्ष्मण दास जी उन्हों का भाणजा है, सो उन्हों की भाणजी का उन्हों का भी दोता है ये। सो उन्हों अज मोमेंटो दिता गया उन्होंने जन्मदिन के उत्ते दिनेश 15 साल का। हैप्पी बर्थडे मिस्टर दिनेश ते मेरी भैन गीता जी बिकर जी ते जगदेव ते बीना जी ते भैन रतनी जी ते जिन्ना जसी परिवार सारे बहुत बहुत बधाई। हाँ जी अगला जी, ये मेरे सत्कार जो बल्ला तो मेरी बीबी भैन कुलविंदर जी उन्हों की बच्ची पहली बारी मत्था टेकन आए थे और इन्हों परिवार ने डेरा बल्ला बड़ा जमीन भी बड़ी माया दान की है, बड़ा प्रेमी परिवार है। सो अज पहली बारी ऐसे उन्हों का सत्कार किया गया, सो उन्हों की बच्ची नाल आई है। संत रामानंद का जन्म दिहाड़ा मनाया गया सी, केक कटिया हुआ केक की सेवा चौहान परिवार वालों की गई, सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये केक दे वास्ते अरदास करदिया होया और उस तो बाद गुरुदेव प्यारे हुए प्रसाद सारा ही लंगर दे विच वरताया जाता। ये परिवार जिन्होंने अज सेवा लई सी भाई साहब सुरेंद्र सिद्धू जी, बीबी चरण कौर सिद्धू जी, वीर लवाया जी ते बीबी उन्होंने घरों और साढ़े नवनीत बीबी जी और उन्होंने वीर दलवीर सिद्धू जी और इन्हों वालों सेवा की गई अज के सारे प्रोग्राम की और उन्होंने भी सत्कार किया गया, उन्होंने सरोपे दिए गए, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। अखीर दे एक मैं क्लिप दिखाउन जा रहा, मैं कल किसी ने सवाल किया सी आओ साढ़े देश दे विच इदां दे भड़काऊपन देश नूं टोटे करन वास्ते देश दे विच नफरत पैदा करन वास्ते हिंदू मुसलम का झगड़ा पैदा करन वास्ते इदां दे जिहड़े दोगले बंदे ने जिन्हां नूं लोग सुनदे भी आ उन्हां दे मगर भी तुरदे ने, पर कांशी टीवी इन्हां दी निंदिया करदा है जिहड़ा देश नूं पाड़न की कोशिश करता, हिंदू मुसलमाना की पाड़न की कोशिश करता है, आपस च नफरत पैदा कर रहे हैं। एक मिनट वो दिखाओ जी, मैं दो लाख नहीं देंगे, इन कहते तोगड़िया परवीन तोगड़िया। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। एक किड्डी जहर उगल रहा भी असी जी हिंदुत्व इतने बनावेंगे, हिंदू राष्ट्र बनावेंगे, किसी मुसलमान किसी होर DSP IAS IPS PCS ये नहीं बन देंगे, असी फलाने आ नहीं देंगे, असी अपना दूसरा संविधान खत्म करांगे। ओ भाई तू तो बह के इतने हिंदुत्व बना रहा, तुम भगवान राम का मंदिर बनाया, तुहानू किसी ने लागे नहीं लगन दा, तुम तो आपसी ही फटे आ, तुसी दूसरे नूं घाली आ, तुसी एक जिन्ने भी आ तुसी अपने आचारीए आ, जिन्ने शंकराचारीए है तुसी उन्हां सारे नूं लागे नूं लगन दित्ता है, एक रामानंद दी संस्था नूं तुसी अग्गे करके और सारा इनकंप्लीट मंदिर नूं तुसी लिया के उत्ते प्राण प्रतिष्ठा कर दित्ती है, तुसी तां आपसे जी फटे आ, तुसी किसे नूं की करना। ते हाँ असीं इह गल कहिंदे आ भारत दा संविधान तुसी कल्लिआं ने की चेंज करना, बाकी दुनिया भी बहुत बैठी है, बहुत बैठी है, नहीं चेंज कर सकते। गुरु के प्यारे वो जो एक ग्रंथ बनया होया जिहड़ा देश की अखंडता रखता है, देश में बराबरता के हक दिंदा है, देश दे विच प्यार की भावना पैदा करता है, देश के सारे मानवता बराबर समझदा, उन्हें तुसीं खत्म नहीं कर सकते। हाँ तुहाडे
मनुवादीए जिहड़े पहले कर रहे ने जदों फिर मनुवादीए अगे आउण दी कोशिश करनगे बाकी समाज भी बहुत सारा बैठा ये साड़ी धमकी नहीं सिर्फ एक प्यार दे नाल आ वे भाई इदां दी जहर फैलाउणो हट जाओ जहर फैलाउणो हट जाओ। भारत का हर वासी हर नागरिक भारत का बछिंदा है भारत का मालिक है उत्थे दा सारा ही जिन्ना भी उत्थे रहिंदा उत्थे दा नागरिक भारत नूं प्यार करदा भारत का बछिंदा आ भारत सारिआं दा तुहाडा कल्लिआं दा नहीं। लो गुरु दे प्यारिओ तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। अखीर दे विच बोलिआ चलिआ माफ़ हो सकदा मैं जज्बातों विच कोई गलत गल भी कर गया तुहाडे सारिआं दे अगे हत्थ जोड़ के मैं माफ़ी मंगदा कोशिश करदा भी मैं दायरे च गल करां पर फिर भी मैं बाणी दे मुताबिक जे गल गलत कर गया हूँ तो माफ़ी मंगदा। अखीर दे विच फिर मैं प्रोग्राम लै के आवांगा बहुत सारा इतिहास साढ़े कोल पिया सतगुरु रविदास महाराज जी तीन गुरु नानक देव जी नाल मिलनी आ अमृतसर कदों गए ने फगवाड़े कदों आए ने अपने कपूरथले कदों गए सके सो गुरु दे प्यारे सारा कुछ दसांगे वो किन्नियां संस्थावां किन्ना किन्ना दे नाल गोष्ठी हुई है किन्नी बाणी आ किन्ने रागां विच है और कित्थे गुरु दे प्यारे गए ने किहड़े शहर विच गए ने किहड़े देश विच गए ने किहड़े राज विच गए ने सारा इतिहास है बड़ी लाइब्रेरियां बड़बड़ियां पर जे नहीं किसी ने पढ़िया सानू लोड़ है क्योंकि असीं इतिहास सामने लियाउणा। तुहाडा सारिआं दा बहुत प्रणाम कांछी टीवी दा साथ दिंदे रहो जिहड़े कांछी टीवी दा सहयोग दिंदे ने तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। 24 फरवरी दिन सनिचरवार मनाउण वास्ते अपने प्यार अपनी श्रद्धा कांछी टीवी दे राहीं जो भी तुसीं योगदान पा सकदे तुहाडा धन्नवाद किसे ने लंगर लई जां किते वी कोई प्रोग्राम लई जां कांछी टीवी तों सारियां झाकियां आउणियां शुरू हो जाणियां साडे कैमरेमैन पंजाब पहुंचे ने उत्थों जिहड़े वी प्रोग्राम भेजणगे तुहानूं दिखाए जाणगे। जुड़े रहो गुरू दा गुरपुरब मनाउंदे रहिए खुशियां नाल। 24 फरवरी दिन शनिचरवार नूं माघ दी पुन्निआ नूं सलामां करिए सतगुरु रविदास नूं धन्नवाद जी जय गुरुदेव।